हरिओम। सिटी न्यूज पर ज्योतिष प्रवाह इस कार्यक्रम में मैं प्रकाश चंद्र आज रविवार को सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूँ। हम सभी के लिए मार्गदर्शकीय विद्या हम सभी की संपत्ति है, निमित्त मैं हूँ। मेरे माध्यम से आप तक कुछ शब्द ब्रह्म के रूप में पहुँचते हो, आशा है आपको पसंद आते। इस विद्या को नमन करते हुए सजयति सिंदूर वदन देवो यात पाद पंकज स्मरणम वासर मणि रेव तमसा राशिन्य शयति विघ्न नाम ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति पर प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोदगते कारणमीश्वर वा तस्मे नमो विघ्न विनाशाय। आज दिनांक 16 सितंबर 2012 अधिक भाद्रपद कृष्ण अमावस रविवार है आज। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुभ योग नाग करण और कन्या राशि जिसके अधिपति और स्वामी है बुध। आज का दिन विशेष है, आज अधिक मास समाप्ति है, अमृत मुहूर्त भी है आज और विशेषकर सूर्य का कन्या राशि में आज प्रवेश होने वाला है। आज का पंचांग है, सूर्योदय को आज कन्या लग्न जिसमें बुध और सूर्य का योग, तुला राशि में शनि और मंगल का योग, वृश्चिक राशि में राहु, कुंभ राशि में वरुण, मीन राशि में प्रजापति, वृषभ राशि में गुरु और केतु और कर्क राशि में शुक्र, ऐसे एक व्यापक विस्तारित एक संतुलित योग पर जन्मे आज बालकों का नामाक्षर है टे टो प और पी। और आज के दिन के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक। आज के लिए शुभ मंत्र है विष्णु का, ओम विष्णु 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 आद्य वशिष्ठ प्रवरांतिका पन्नु मुख शर्मा अहम भो अभिवादे आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छन्ति सागरम सर्वदेव नमस्कारः। ओम श्रीम 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 कमल कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्धम श्री ओम महालक्ष्मी नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड ध्वज मंगल पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। विष्णु के गुणगान करने के लिए हर अर्थ कमजोर पड़ता है, हर मंत्र कमजोर पड़ता है, क्योंकि जो सुख को ऐश्वर्य में रूपांतरित करता है उस विष्णु को समझने का विज्ञान उस अनुभवी को ही प्राप्त होता है जो इससे गुजरता है। आज के दिन के लिए शुभांक है 7, आज के लिए शुभांक है 7 और शुभ रत्न है 5 जो हीरे का साथी होता है। आज के लिए शुभ रंग है कत्था, शुभ वृक्ष है तुलसी, शुभ धातु है पोटेशियम, शुभ दिशाएं दक्षिण जिसके अधिपति और स्वामी है यम, और आज के दिन के लिए शुभ ग्रंथ है विष्णु पुराण। कि जीवन में जब सरस्वती आशीर्वाद देती है तो लक्ष्मी का आगमन कैसे होता है, लेकिन अगर कहीं लक्ष्मी का कोप हो जाए तो महाकाली अपने शिव पर हमारे समय का नाश कैसे करती है। हमारे हाथ पांव को कमर में बांधकर गर्दन हाथ में लेकर हमें प्रदान किए हुए ज्ञान और धन को नष्ट कर हमें समय के इंतजार में कैसे छोड़ देती है, इसका गहन तथ्य विष्णु पुराण में समाया हुआ है। जो भी साधक अपने जीवन में ज्ञान यश और वैभव को प्राप्त करना चाहते हो उन्होंने विष्णु पुराण ग्रंथ का दर्शन अध्ययन और पठन जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आज का दिन कैसा रहेगा देखिए एक नजर में, लेकिन आज के दिन हम प्रस्तुत कर रहे रविवार विशेष पर साप्ताहिक राशि भविष्य कि हर वार में कौन से राशियों के लिए किसके किसके लिए क्या क्या योग रहेगा। हर रविवार को यह कार्यक्रम आज से रेगुलर चलेगा जिसमें हर वार के अनुसार उसके परिणाम बताए जाएंगे। सबसे पहले सोमवार का बताते हम, सोमवार यह दिन वृषभ कन्या मकर और मीन राशि के लिए बड़ा ही शुभ है। पुरुषों के लिए थोड़ा मध्यम हो सकता है लेकिन स्त्रियों के लिए विशेष शुभ है और बच्चों के लिए तो इस सोमवार बहुत ही उत्कृष्ट रहेगा। व्यापारियों के लिए या श्रमशील लोगों के लिए यह दिन विशेष लाभ अर्जित कर सकता है और सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहनना इनके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा।
मेष सिंह वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों के लिए सोमवार का दिन मध्यम साबित होने वाला है और तुल धनु मिथुन और कर्क राशि के लोगों के लिए सोमवार श्रेष्ठ और कनिष्ठ ऐसे मिश्र फलों के साथ आने वाला है। सोमवार के दिन जिनके लिए श्रेष्ठ योग है उनके लिए श्वेत वस्त्र पहनना बड़ा ही शुभ रहेगा, जिनके लिए मध्यम योग है उनके लिए राख रंग के कपड़े पहनना बड़ा ही शुभ रहेगा। सोमवार के दिन कार्य करने के लिए वैसे भी पूर्व दिशा बहुत ही शुभ होती है लेकिन दक्षिण दिशा भी सोमवार के दिन आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। मंगलवार, मंगलवार तुल धनु मिथुन और कर्क राशि के पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और बालकों के लिए थोड़ा श्रेष्ठ रह सकता है, व्यापारियों के लिए भी श्रेष्ठ रह सकता है, शेयर मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा और जो कमोडिटी में काम करते हैं उनके लिए यह मध्यम रहेगा। वृषभ कन्या मकर और मीन के लिए मध्यम रहेगा मंगलवार। मेष सिंह वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए बड़ा ही कनिष्ठ रह सकता है। मंगलवार के लिए के दिन इन लोगों ने अपने कार्य को रोके रखना ही बड़ा फायदेकारक रहेगा, हो सकता है किसी आध्यात्मिक कार्य में इस दिन सम्मिलित रहे तो बड़ा ही फायदेकारक रहेगा। बुधवार मेष सिंह वृश्चिक और कुंभ के लिए बड़ा ही कनिष्ठ फलदायक है बुधवार, उन्होंने आज के दिन पैसों के व्यवहार में रोक लगानी चाहिए, थोड़ा तुरंत टाल देना चाहिए। तुला धनु मिथुन और कर्क राशि के लिए मध्यम है, इन्होंने किसी और की सहायता लेकर बुधवार को कार्य करने में बड़ा फायदेकारक रहेगा, हो सकता है किसी स्त्रियों को मध्यस्थ रख कर कार्य करना इनके लिए विशेष फायदेकारक रहेगा। वृषभ कन्या मकर और मीन राशि के लिए एक नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए बुधवार बड़ा ही शुभ रहने वाला है, बाकी वैयक्तिक और कार्य के लिए यह दिन कनिष्ठ साबित हो सकता है। स्वहित के लिए थोड़ा अनिष्ट है लेकिन परहित के लिए बुधवार इनके लिए शुभ रहेगा। गुरुवार वृषभ कन्या मकर और मीन के लिए गुरुवार दान धर्म के लिए बड़ा ही शुभ है और यात्रा योग व्यापार या व्यवहार निमित्त करना इनके लिए बहुत ही फायदेकारक रहेगा, विशेषकर पीले वस्तुओं का व्यापार, पीले वस्त्रों को धारण करना आज के दिन बड़ा ही फायदेकारक रहेगा इनके लिए, गुरु का दर्शन भी काफी कम महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। तुल धनु मिथुन और कर्क के बच्चों को, महिलाओं को और पुरुषों के लिए यह दिन मध्यम रहेगा, इस दिन हो सकता है थोड़ा कोई उपवास व्रत करना इनके लिए फायदेकारक रहेगा, अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। अगर महिलाओं को कोई नए कार्य में रुचि बढ़ानी है या कि विशेष पाककृति को सीखना है तो यह दिन सबसे सुंदर रहेगा इनके लिए। मेष सिंह वृश्चिक और कर्क राशि के लिए पढ़ाई के लिए यह दिन बड़ा ही अच्छा रहेगा, नौकरी पेशे में कार्य करने वाले लोगों के लिए भी बड़ा ही अच्छा रहेगा और जिनको जिनको स्पर्धा परीक्षाएं देनी है तो उनके लिए यह दिन बड़ा ही सिद्ध साबित होगा, जो कभी पढ़ानी समझानी हो इस दिन इनके ध्यान में आ सकता है। शुक्रवार मेष सिंह वृषभ और कुंभ राशि लोगों के लिए शुक्रवार थोड़ा कष्ट साध्य हो सकता है, अल्पकालीन व्याधियां जैसे सर्दी बुखार या कोई चोट लगना जैसी घटना इस दिन घट सकती है, इसलिए तुरंत कामों में विघ्न निर्माण होकर महत्वपूर्ण कार्य टल सकते हैं। तुला धनु मिथुन और कर्क राशियों के लिए वैयक्तिक हित के निर्णय लेना बड़े फायदेकारक रहेंगे, कोई अगर कागजात संबंधी, कोई अगर एप्लीकेशन संबंधी, किसी को मिलने संबंधी अगर व्यवहार हो तो उसमें इस दिन इनको बहुत ही सफलता हाथ लगेगी। अगर लेन देन का पैसे का व्यवहार हो, कोई नोट या कोई मीटिंग होनी हो तो उस दिन इनके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। महिलाएं, बालकों और वृद्धों के लिए भी यह दिन मध्यम रहेगा। वृषभ कन्या मकर और मीन राशि के लिए यह दिन विशेष शुभ नहीं है, उनको इस दिन मौन रखना फायदेकारक रहेगा, अन्यथा जुबान से ऐसी कुछ बातें निकल सकती है जो कोई खंडन कर दे, इसलिए लिसनर बने रहना इनके लिए वो यह दिन बड़ा ही शुभ है। बोलने की गुंजाइश कम से कम रखे तो इनके लिए आने वाले दिनों में शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। महिलाओं, वृद्धों के लिए, पुरुषों के लिए और बालकों के लिए दिन मध्यम रहेगा। शनिवार वृषभ कन्या मकर और मीन राशि वालों के लिए शनिवार का दिन मेहमानों के आगमन का रहेगा, इस दिन इनके घर में मेहमानों का आगमन होना ही होना है, चार लोगों की ज्यादा रोटियां इनके घर में बननी बननी है,
और इनको अपने सारे महत्वपूर्ण काम छोड़कर अपने घर में रहना पड़ेगा। अगर इनके कोई नए लोगों को, नए मेहमानों को निमंत्रित करना है तो यह दिन बहुत अच्छा है। किसी को भोजन खिलाना हो तो यह दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन आपके लिए नीले वस्त्र पहनना बड़ा ही फायदेकारक रहेगा। जामुनी और नीला रंग आज के दिन के लिए बड़ा ही शुभ है। तुला, धनु, मिथुन और कर्क राशि के लिए यह विश्राम का दिन रहेगा। वो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ कहीं घूमने तो जरूर जाने वाले हैं। मेष सिंह वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए यह लॉटरी हो, मटका हो, स्कीम्स हो, कोई प्रतियोगिता हो, कोई कंपटीशन हो, उसमें सफलता प्रदान कराने वाला है। ये शनिवार को इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने प्रतिभा का परिचय देने, भाषण देने जाने का मौका जरूर मिल सकता है। वो उस दिन का लाभ जरूर उठाए। और आने वाले फिर रविवार को हम बताएंगे सभी राशियों के लिए, सप्तवारों के लिए कैसी कैसी घटनाओं का संकेत है इसमें। और अगर कुछ आपको विस्तार से चाहिए, जो भी विषय पर, सपनों के बारे में हो या आपके नक्षत्र के बारे में हो, तो हम आप इसमें जरूर सम्मिलित करेंगे। आपके पत्रों का, आपके प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे। मिलते हैं फिर रविवार को। वैसे आप हमें फेसबुक या ट्विटर पर भी मिल सकते हो। हमें मिलने के लिए लॉगिन करें www.citynews.net.in पर। मैं प्रकाश चंद्र आप सभी दर्शकों से लेता हूँ इजाजत। हरिओम तत्सत।